हिंदुस्तान के लोगों को कश्मीर में जाने के लिए परमिट लेनी पड़ती थी, भारत के बाकी हिस्से को। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने इस विषय को पकड़ा और एक आंदोलन का स्वरूप लिया। एक नारा बनाया था उन्होंने, एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी आंदोलन करते हुए ट्रेन में कश्मीर जाने के लिए रवाना हुए। श्यामा प्रसाद जी ने सत्याग्रह किया था, इसलिए परमिट नहीं ली थी। परमिट के खिलाफ ही वो कश्मीर जाना चाहते कि कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है, मैं भारत का नागरिक हूं, कश्मीर में जाने के लिए मुझे कोई परमिट नहीं लेनी चाहिए, मैं नियम को तोड़ूंगा। और अगर श्यामा प्रसाद जी को के पास परमिट नहीं थी तो उनको कश्मीर में क्यों एंटर करने दिया गया, ये सवाल आज तक कोई नहीं पूछता है। वो तो सविनय कानून भंग के लिए गए थे। कश्मीर की बॉर्डर आते ही श्यामा प्रसाद जी की अरेस्ट होनी चाहिए थी। अगर वहीं अरेस्ट हुई होती तो श्यामा प्रसाद जी की कस्टडी पंजाब पुलिस के हाथ में होती, कश्मीर पुलिस के हाथ में नहीं होती। परमिट न होते हुए भी श्यामा प्रसाद जी को कश्मीर में जाने देने गया। और जैसे ही कश्मीर की बॉर्डर आई उनको अरेस्ट किया कि कश्मीर की कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ेगी, इसलिए आपको अरेस्ट करते हैं। 3 किलोमीटर के बदलाव से ही कस्टडी चेंज हो गई और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर सरकार की जेल में गए। बहुत रहस्यमय तरीके से उनकी मौत हुई, उसकी कोई जांच भी नहीं की गई, मगर उनकी उनके बलिदान के कारण पूरे देश की जनता में जिस प्रकार की जागृति आई, सत्ताधीशों को भी झुकना पड़ा और परमिट प्रथा को खत्म कर देना पड़ा।